हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ कटिंग की वीडियो शेयर करी थी अफ़गानी सलवार की। अब हम आपके साथ स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रहे हैं अफ़गानी सलवार की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से स्टिचिंग होती है अफ़गानी सलवार की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये सलवार हमने जो कटिंग कर रखी है, तो सबसे पहले हमने इसका आसन अटैच करना है दोनों साइड से। एक पैर का मार्जिन लेकर ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से आसन अटैच करेंगे। बेल्ट जो बेल्ट है हमारी उतना सा नाप कर हम कट लगा लेंगे। बाकी हिस्से में हम प्लेट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं डालनी है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है, एक एक इंच की। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घेरा नहीं है इस सलवार में, तो उसी हिसाब से छोटी छोटी प्लेट्स पड़ेंगी। अफ़गानी सलवार का घेरा जब भी ज़्यादा बनता है जब उसका अर्ज ज़्यादा होता है कपड़े का। अगर अर्ज कम है तो नॉर्मल सलवार ही बनेगी, बहुत ज़्यादा घेरा नहीं बन पाएगा। ये देखिए इस तरह से हाफ प्लेट्स इस साइड को डालनी है, दूसरी साइड को हाफ करके डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद बेल्ट से नाप चेक कर लें कि पूरा आ रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा पूरा आ रहा है नाप, परफेक्ट है। अब दोस्तों, नीचे की साइड हम पोछे में प्लेट्स डाल लेंगे। जिस साइड की हमारी फ्रंट में प्लेट्स पड़ी हैं उसी साइड को हमने नीचे पोछे में प्लेट्स डालनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। जो पोछे की प्लेट्स का रुख करना है वो फ्रंट में करना है। पोंचे की मोरी 5.5 इंच है, तो इस तरह से नाप चेक कर लें 5.5 इंच आ रहा है कि नहीं। ये हमारी परफेक्ट 5.5 इंच आ रही है। दूसरे बॉटम में भी इसी तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए अब इस साइड को रुक करके डालेंगे प्लेट्स, क्योंकि हमारी फ्रंट में ही आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये वाली बॉटम भी हमारी 5.5 इंच आ रही है, परफेक्ट। अब हम इसकी नीचे बॉटम जो पोचा हम बनाते हैं उसके लिए हम 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 1.5 इंच चौड़ा पोचा बनाना है, तो 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी पड़ेगी। और लंबाई जो है पोचे के हिसाब से रख लें, यानी कि 11 इंच मोरी है तो कम से कम 14 इंच पट्टी लंबी कटिंग कर लें और 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है। ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई लगानी है पट्टी रखकर। देखिए पट्टी को इस तरह से लगाने के बाद नाखून से इस तरह से फिनिश कर लें ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। उसके बाद सीधी साइड को
इस तरह से अंदर मार्जिन करके फोल्ड करके पट्टी को लगाना है और इंच टेप से नाप के चेक करना है डेढ़ इंच हमारा पोचा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने डेढ़ इंच माइनस किया था कटिंग में, तो हमने डेढ़ इंच इसमें चौड़ा पोचा बनाना है ताकि हमारी जो सलवार की लेंथ होती है वो पूरी तैयार हो जाए, लेंथ कम ना पड़े, तो इसलिए डेढ़ इंच चौड़ा पोचा ज़रूरी है बनाना, ना उससे ज़्यादा ना कम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बॉटम तैयार हो चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। दूसरी बॉटम भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, उल्टी साइड से पट्टी रखकर लगाएंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेकर। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड को पलटकर सिलाई लगाएंगे लब की। ये देखिए दूसरी बॉटम भी हमारी तैयार हो चुकी है, ये भी डेढ़ इंच है। अब हम इसकी बॉटम जॉइंट कर देंगे, 5.5 इंच मोरी है, 5.5 इंच पे निशान लगाकर इसको जॉइंट कर देंगे पूरा। मोरी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मार्जिन दोस्तों इसमें हाफ इंच का ही लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है आसन की जुड़ाई में भी। ये देखिए इधर से भी हम 5.5 इंच मोरी निशान लगाकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। एक डबल सिलाई ज़रूर लगाना है इसमें ताकि हमारा आसन जो है पक्का हो जाए। ये देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं ऊपर की साइड। अब लगानी हमने इसमें बेल्ट, तो बेल्ट में हम इलास्टिक लगाएंगे, तो इसकी वेस्ट है 37, हम इसमें 6 इंच इलास्टिक माइनस करके कट कर लेंगे। ये देखिए 6 इंच इलास्टिक माइनस करेंगे तो 31 इंच आएगी हमारी इलास्टिक, 31। आपका कोई भी नाप हो, कितना भी नाप हो कमर का, आप उसमें 6 इंच इलास्टिक माइनस करके डालेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। इलास्टिक को इस तरह से कपड़े के साथ अटैच कर लें, उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन अंदर करके ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक के नीचे बिल्कुल बराबर से लगानी है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई चढ़ जाएगी तो इलास्टिक खिंचेगी नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक कम जब पड़ जाती है उसके बाद उसको इस तरह से खींचकर फिर अंदर मार्जिन फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोबारा से खींच लेंगे इलास्टिक को। ये देखिए लास्ट में भी हम कपड़े के साथ इलास्टिक को अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से खींच कर बराबर कर लेंगे ताकि चुनटे पूरे में फैल जाएं बराबर से, और उसके बाद सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से खींच के रखना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम इसमें एक नाड़े के लिए पट्टी कट कर लेंगे 1 इंच चौड़ी। ये देखिए ज़्यादा लंबा नाड़ा नहीं बनाना है इसमें, हमने नाड़ा जो अटैच करना है दोस्तों वो सिर्फ लटकन लगाने के लिए अटैच करना है, तो इसलिए नाड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो तो भी चलेगा। ये देखिए इस तरह से हमने नाड़ा बना लेना है।
ये देखिए आधा मीटर का ही नाड़ा है दोस्तों। अभी हम अंदर की साइड इस तरह से नाड़े को रखकर अटैच कर देंगे लास्टिक के साथ। ये देखिए साइड में, लेफ़्ट साइड में ही इसको रखना है दोस्तों, क्योंकि लटकन हम जो लगाएंगे इसमें तो लेफ़्ट साइड में लगाएंगे, तो नाड़ा भी हमने लेफ़्ट साइड में ही रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें जब बेल्ट अटैच करेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा जो नाड़ा है लेफ़्ट साइड में आए, जिस साइड जो लेफ़्ट साइड होगी उसमें हम कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद हम अटैच कर देंगे, उस कट से अटैच करना शुरू करेंगे बेल्ट को, हाफ इंच का मार्जिन लेकर। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी बेल्ट भी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ सलवार को। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नाड़ा लेफ़्ट साइड में रखा है, इसमें हम आप लटकन लगाकर इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार बनकर तैयार हुई है। ये देखिए एक बराबर हमने प्लेट्स डाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैं पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।